ओशो अपनी बातें अक्सर कहानियों के जरिए समझाते थे। बड़ी सीधी, सरल लेकिन गहरी छाप छोड़ने वाली कहानियां। हमें सही सोच और मजबूत मनःस्थिति की जितनी जरूरत आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। बड़े चुनौती भरे दिनों से गुजर रहे हैं हम। ये कहानियां ऐसे ही चैलेंजिंग हालात के बारे में हैं। जापान के एक गांव में एक फकीर ठहरा हुआ था। बहुत सुंदर युवक, बड़ी कीर्ति थी उस गांव में उसकी। लोग उसे सम्मान देते, आदर देते, लेकिन एक दिन स्थिति बदल गई। सारे गांव के लोग उसके विरोध में हो गए। सारा गांव उसके झोपड़े पर टूट पड़ा। लोगों ने जाकर पत्थर फेंके, उसके झोपड़े में आग लगा दी। वो फकीर पूछने लगा कि बात क्या है, मामला क्या है। लोगों ने जाकर एक छोटे से बच्चे को उसकी गोद में पटक दिया और कहा कि मामला पूछते हो, गांव की एक लड़की को बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा तुम्हारा है। उस लड़की ने कहा है कि इस बच्चे के बाप तुम हो और हमसे बड़ी भूल हुई जो हमने तुम्हें सम्मान दिया, बड़ी भूल हुई हमसे जो हमने तुम्हारे लिए झोपड़ा बनाया और गांव में रहने की व्यवस्था की। तुम ऐसे चरित्रहीन सिद्ध होगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये बेटा तुम्हारा है। वो बेटा रोने लगा था। वो फकीर उस बेटे को चुप कराने लगा और उसने उन लोगों से कहा, इज इट सो, ऐसा है कि ये बेटा मेरा है, अब जब तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे। वे लोग गालियां देकर, झोपड़े में आग लगाकर, उस फकीर के सामान को फेंक कर वापस लौट गए। दोपहर होने पर वो फकीर गांव में भिक्षा मांगने निकला गोद में बच्चे को लेकर। शायद दुनिया के किसी गांव में कभी कोई फकीर इस तरह भिक्षा मांगने नहीं निकला होगा। वो छोटा सा बच्चा रो रहा है। वो फकीर एक एक घर के सामने भीख मांगता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कौन भीख देगा उसे। वो सारे गांव में भटकता रहा। लोग चारों तरफ से भीड़ लगाए हुए हैं, गालियां बक रहे हैं, अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। वो उस छोटे से बच्चे को बचाता हुआ उस घर के सामने पहुंचा जिस घर की बेटी का वो बच्चा था। वो उस घर के सामने भी चिल्लाता है कि मुझे खाना ना मिले, समझ में आ सकता है, लेकिन इस छोटे से बच्चे को दूध तो मिल जाए। और मेरा कसूर हो सकता है, लेकिन इस छोटे से बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। भीड़ वहां भी दरवाजे पर खड़ी है। वो जिस लड़की का बेटा है, उसका हृदय पिघल जाता है। वो अपने बाप के पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे भूल हो गई, मैंने झूठ ही उस फकीर का नाम ले लिया। उस फकीर को तो मैं जानती भी नहीं, उस बेटे का बाप दूसरा है, उसी को बचाने के लिए मैंने फकीर का नाम लिया था। मैंने सोचा था थोड़ी बहुत गाली गलौज करके आप वापस लौट आएंगे, बात यहां तक बढ़ जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे क्षमा कर दें। बाप तो हैरान हो गया, आकर फकीर के पैर पड़ने लगा, उसके हाथ से उस छोटे बच्चे को छीनने लगा। उस फकीर ने पूछा कि बात क्या है, मेरे बेटे को छीनते क्यों हो। बाप ने कहा, आपका बेटा नहीं है, हमसे बड़ी भूल हो गई, ये बेटा आपका नहीं, किसी और का है। उस फकीर ने कहा, इज इट सो, ये बच्चा मेरा नहीं है, क्या कहते हो, अभी सुबह तुमने ही तो कहा था कि मेरा है। वह सारे गांव के लोग कहने लगे, तुम पागल हो क्या, तुमने सुबह ही क्यों नहीं कहा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। उस फकीर ने कहा, क्या फर्क पड़ता है इस सपने में कि यह बच्चा किसका है, किसी न किसी का तो होगा ही, और जब तुम इतने सारे लोग कहते हो तो ठीक ही कहते होगे। एक झोपड़ा तुमने जला ही दिया था, एक आदमी को गालियां दे ही चुके थे, और अगर मैं कहता कि मेरा नहीं है तो एक झोपड़ा और जलाते, एक आदमी को गालियां और देते। वे लोग कहने लगे, तुम्हें अपने सम्मान की फिक्र नहीं है। उस फकीर ने हंस के कहा कि जिस दिन से यह दिखाई पड़ गया कि जो बाहर है वो एक सपना है, उस दिन से सम्मान और अपमान में कोई फर्क नहीं रह गया, उस दिन से सब बराबर है। सपने में सम्मान और अपमान में क्या फर्क हो सकता है, हां असलियत हो तो फर्क होता है, असलियत ना हो तो क्या फर्क है। बंगाल के एक बहुत बड़े विचारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक नाटक को देखने गए। नाटक में एक अभिनेता है जो एक स्त्री के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। वो स्त्री को सब तरह से परेशान कर रहा है। आखिर एक एकांत रात्रि में उसने स्त्री के घर में कूद कर उसको पकड़ लिया। विद्यासागर के बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो भूल गए कि ये नाटक है। जूता निकालकर मंच पर कूद पड़े और लगे उस आदमी को जूते से मारने। सारे देखने वाले दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उस अभिनेता ने क्या किया, उसने विद्यासागर का जूता अपने हाथ में ले लिया, जूते को नमस्कार किया और जनता से कहा, इतना बड़ा पुरस्कार मेरे जीवन में मुझे कभी नहीं मिला, मेरे अभिनय को कोई इतना सत्य समझ लेगा, वो भी विद्यासागर जैसा बुद्धिमान आदमी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा अभिनय इतना सत्य हो सकता है, मैं धन्य हो गया, मैं इस जूते को संभाल कर रखूंगा, मुझे बहुत इनाम मिले हैं लेकिन इतना बड़ा इनाम मुझे कभी नहीं मिला। विद्यासागर तो बहुत झेपे होंगे,
जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। बाद में लोगों से कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, ये नाटक मुझे सच मालूम पड़ा, मैं भूल ही गया कि जो देख रहा हूं वो सिर्फ नाटक है। अगर नाटक भी सच मालूम पड़े तो आदमी अशांत हो जाता है, और अगर जीवन भी नाटक मालूम पड़े तो आदमी शांत हो जाता है। जीवन जितना सपना मालूम पड़ने लगे आदमी उतना ही शांत हो जाता है, क्योंकि सपने में अशांत होने का कारण क्या है? तब अगर गरीबी आती है तो भी सपना है, अमीरी आती है तो भी सपना है, बीमारी आती है तो भी सपना है, स्वास्थ्य आता है तो भी सपना है, सम्मान मिलता है तो सपना है, अपमान मिलता है तो सपना है, तब अशांत और पीड़ित और परेशान होकर टेंस होने का कारण क्या है? सारा तनाव इसीलिए पैदा होता है कि जीवन हमें बहुत सच्चा मालूम पड़ता है, बहुत यथार्थ मालूम पड़ता है। जीवन बिल्कुल अयथार्थ है, जीवन बिल्कुल नाटक है, और जितनी यह बात स्पष्ट होने लगे उतना ही मन भीतर से शांत होना शुरू हो जाता है, अशांत होने के कारण ही खत्म हो जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था, और हारे हुए नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के एक छोटे से द्वीप में, एक आइलैंड में बंद कर दिया गया था। नेपोलियन था बादशाह, विजय का यात्री, फिर हार गया और एक छोटे से द्वीप पर साधारण कैदी की तरह बंद करके रख दिया गया। दूसरे दिन सुबह ही घूमने निकला द्वीप पर, उसके साथ उसका डॉक्टर है। वे दोनों एक छोटी सी पगडंडी से निकल रहे हैं एक खेत के बीच में से। एक औरत, एक घास काटने वाली औरत घसियारन, अपने सिर पर घास का बोझा लिए हुए पगडंडी पर आती है। नेपोलियन का साथी डॉक्टर चिल्लाकर कहता है, एक घास वाली औरत, रास्ते से हट जा, तुझे पता नहीं कौन आ रहा है, नेपोलियन आ रहा है। नेपोलियन अपने डॉक्टर मित्र का हाथ पकड़कर नीचे खींचता है और कहता है, पागल, सपना बदल गया, वह दिन गए जब हम लोगों से कहते थे हट जाओ नेपोलियन आ रहा है, वो जमाने चले गए जब हम पहाड़ को कहते थे हट जाओ और पहाड़ को हटना पड़ता था, अब तो घास वाली औरत के लिए भी हमको हट जाना चाहिए। नेपोलियन बड़ी समझ की बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सपना बदल गया, वो ये कह रहा है कि बात बदल गई, अब एक दूसरा सपना चल रहा है। लेकिन डॉक्टर बहुत दुखी हो जाता है यह बात देखकर कि नेपोलियन को हटना पड़ा। नेपोलियन हंस रहा है क्योंकि जिस आदमी को सपना मालूम पड़ रहा हो उसके लिए रोने का कारण ही क्या रह गया। नेपोलियन हार कर भी वही था जो जीत कर था, और नेपोलियन ने यह कहकर कि सब सपना है एक अद्भुत सत्य की गवाही दे दी। बर्टन रसल ने एक छोटी सी कहानी लिखी है, उसने लिखा है कि एक चर्च का एक पादरी एक रात सोया और उसने स्वप्न में देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है, लेकिन द्वार इतना बड़ा है कि उसके ओर छोर का कोई पता नहीं चलता। वो सिर ऊपर उठाकर देखता है, देखता है, देखता है, लेकिन कोई अंत नहीं है द्वार का। उस द्वार पर फिर वो जोर जोर से थपकियां देने लगता है, लेकिन उतने बड़े द्वार पर उस छोटे से आदमी की थपकियों की क्या आवाज पैदा होगी? उस अंतहीन सन्नाटे में कोई आवाज पैदा नहीं होती। वो सिर्फ पटक पटक कर मर जाता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि सदा उसने यही सोचा था कि मैं तो भगवान की दिन रात पूजा और प्रार्थना करता हूं, जब मैं जाऊंगा तो भगवान मुझे द्वार पर ही हाथ फैलाए हुए आलिंगन करने को तैयार मिलेंगे, यहां दरवाजा ही बंद है। इतने जोरों से पीट रहा हूं लेकिन कोई आवाज नहीं होती क्योंकि दरवाजा इतना बड़ा है। बहुत चिल्लाने, बहुत शोरगुल मचाने पर एक खिड़की दरवाजे में से खुलती है और कोई झांकता है, लेकिन वो पादरी घबरा जाता है और द्वार की सेंध में सरक जाता है, क्योंकि वह आंखें इतनी तेज है कि वो घबरा जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, कृपा करके भीतर हो जाइए और वहीं से बात करिए, देखिए मत, एक एक आंख, एक एक सूरज मालूम पड़ती है। वो कहता है, हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा हुई। लेकिन वो जो आदमी झांकता है द्वार से, वो कहता है, मैं भगवान नहीं हूं, यहां का द्वारपाल हूं, और तुम कहां छिप गए हो, मुझे दिखाई नहीं देते, कितने छोटे जीव हो, कहां से आए हो। वो जो हजार हजार आंखों वाला आदमी है उसको भी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इतना छोटा है। उस पादरी के मन में बड़ी दीनता मालूम होती है कि मैं सोचता था भगवान द्वार पर मिलेंगे, ये तो केवल द्वार का चपरासी है। वो पादरी कहता है, आपको पता नहीं कि मैं आने वाला था। उस द्वारपाल ने कहा, तुम जैसा जीव जंतु पहली बारी देखा गया अनंत काल में, कहां से आए हो। उसने कहा, मैं पृथ्वी से आ रहा हूं। उस द्वारपाल ने कहा, ये नाम कभी सुना नहीं है, ये पृथ्वी है कहां। तब उसकी सांसें सरक गईं,
हृदय की धड़कन उसकी बंद होने लगी। जब पृथ्वी का ही नाम नहीं सुना तो पृथ्वी पर ईसाई धर्म का नाम कहां से सुना होगा, और ईसाई धर्म के भी कैथोलिक संप्रदाय का नाम कहां सुना होगा, और कैथोलिक संप्रदाय का भी फला फला गांव के चर्च का इसको क्या पता होगा, और चर्च के पुजारी का कहां हिसाब लगेगा जब ये कहता है कि पृथ्वी का नाम ही पहली बार सुना है, कहां है ये पृथ्वी। तो वो पुजारी कहता है कि सौर परिवार है, सूरज का परिवार है, उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। वो द्वारपाल कहता है तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है कितने अनंत सूरज हैं। कौन सा सूरज, नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारे सूरज का? शायद तुम नंबर बता सको अपने सूरज का तो कुछ खोजबीन की जा सकती है कि तुम कौन से सौर परिवार से आते हो। उसने कहा नंबर, हम तो एक ही सूरज जानते हैं। फिर भी उसने कहा कोशिश की जाएगी, खोजबीन की जाएगी, खोजबीन करने से शायद पता चल जाए, लेकिन बहुत कठिन है पता लगना। घबराहट में उस पादरी की नींद खुल जाती है, वो पसीने से तरबतर है, और उसको पहली दफा पता चलता है कि जिस विराट जगत में वो है वहां कहां पृथ्वी का कोई ठिकाना है। ये पृथ्वी कितनी छोटी है लेकिन हमें बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। इस पृथ्वी से सूरज 60,000 गुना बड़ा है, और सूरज बहुत छोटा ग्रह है। वे जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं आकाश में, वे सूरज से बहुत बड़े हैं लेकिन छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है। इस सूरज से किरण को पृथ्वी तक आने में 10 मिनट लग जाते हैं, और किरण की यात्रा बहुत तेज है, स्पीड ऑफ लाइट। सूर्य की किरण चलती है 1 सेकंड में 186,000 मील। 1 सेकंड में 186,000 मील की गति से सूरज की किरण चलती है। सूरज की किरण को यहां आने में 10 मिनट लग जाते हैं। सूरज बहुत दूर है लेकिन सबसे दूर नहीं है। सूरज के बाद जो सबसे निकट का तारा है उसकी किरण को पृथ्वी में पहुंचने तक 4 वर्ष लग जाते हैं। 186,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली किरण 4 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंच पाती है, और वो निकटतम तारा है। और दूर के तारे हैं जिनसे 100 वर्ष लगते हैं, 200 वर्ष लगते हैं, 1,000 वर्ष लगते हैं, 1,00,000,000 वर्ष लगते हैं, 1,00,000,000 वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं कि जिनकी चली हुई किरण अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची, और उस समय चली थी जब पृथ्वी बन रही थी 4 अरब वर्ष पहले। उसके आगे भी तारे हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, जिनकी किरण इस पृथ्वी पर कभी पहुंचेगी ही नहीं। इतने बड़े इस विस्तार के जगत में पृथ्वी का मूल्य क्या है, और इस पृथ्वी पर हमारा मूल्य क्या है? लेकिन हम अपना कुछ मूल्य मानकर जीते हैं। वो जितना हम मूल्य मानते हैं उतने ही हम अशांत होते हैं, जितना हम मूल्य मानते हैं उतने ही हम परेशान होते हैं, जितना हम मूल्य मानते हैं उतने ही हम पीड़ित होते हैं, और जितना हम मूल्य मानकर अशांत हो जाते हैं उतना ही सत्य के दर्शन की संभावना क्षीण और कम हो जाती है। सत्य का दर्शन उन्हें हो सकता है जो शांत हो, और शांत होने का पहला सूत्र है कि जिस जीवन को सत्य समझ रहे हैं उसे सत्य मत समझना, उसे सपने से ज्यादा अहमियत मत देना। जिस दिन जीवन सपना मालूम पड़ता है उस दिन चित्त शांत हो जाता है। जब तक जीवन सत्य मालूम पड़ेगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता है। तब तक छोटी छोटी चीज का बहुत मूल्य है हमें। हम तो सपने को सत्य मानकर परेशान हो जाते हैं। रात में एक आदमी सपने में भूत देख लेता है, आंख खुलती है लेकिन छाती धड़कती रहती है। आंख खुल गई है, नींद खुल गई है, लेकिन वो सपना इतना सच मालूम पड़ा था कि अभी भी प्राण धक 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 धड़क रहे हैं। हम तो नाटक को भी सच मान लेते हैं। सिनेमा घर में जाकर देखिए लोगों को, न मालूम कितने लोग आंसू पोंछ रहे हैं रुमालों से। वहां पर्दे पर कुछ भी नहीं चल रहा है सिवाय बिजली की धारा के, नाचती हुई इलेक्ट्रिक करंट के अलावा कुछ नहीं है पर्दे पर। और मालूम है भली भांति कि कोरा पर्दा है पीछे, उस कोरे पर्दे पर जो विद्युत की किरणें दौड़ रही हैं और चित्र बन रहे हैं बस वही है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई घबरा रहा है। हम तो नाटक को भी सच मान लेते हैं। और सत्य की खोज का पहला सूत्र है कि जिसे हम सच कहते हैं उसे भी नाटक मान लो, तो आदमी सत्य को उपलब्ध हो सकता है।